नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे हम ट्रेवल करके दिल्ली से बार्सिलोना तक पहुँचे। तो बार्सिलोना में हम जहाँ रुके हैं, जिस घर पर रुके हैं, आइए देखते हैं वो घर कैसा है। तो यह है हमारा अपार्टमेंट, तो चलिए चलते हैं अंदर। यह अपार्टमेंट जो कि हमने Airbnb.com के थ्रू बुक किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले फ़ोन है, फ़ोन का काम यह है कि अगर कोई नीचे आया हो तो वहाँ से हमारा नंबर दबा के कॉल कर सकता है। और जैसे ही हम ये हरा बटन दबाएंगे, नीचे का दरवाज़ा जो है घर के प्रीमाइसेस के अंदर आने के लिए खुल जाएगा। तो ये शुरुआती हिस्सा, हमारे शूज़। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको ले चल के चलते हैं किचन के अंदर। सो यहाँ आप देख सकते हैं, ये किसी का घर है जहाँ पे लोग रहते हैं और वो आपको किराए से देते हैं। और देख सकते हैं कि हम लोग आते साथ ही हमने फ्रिज में जो है, चूँकि हम वेजिटेरियन हैं, हमने मिल्क, फ्रूट्स, आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर वेजिटेबल्स हम लेके आ चुके हैं, जो कि अब आने वाले समय में हम यहाँ पर बना करके खाने वाले हैं खाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी शुरू हो चुका है काम, और हमारी मास्टर सेफ माई वाइफ एनजी ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर सो मेनी थिंग्स इज कुकिंग। आई डोंट नो वॉट इज हेयर टूडे। ओके, दिस इज समथिंग मास्टर एंड समथिंग, एंड हेयर इज राइस पुलाव, एंड ओ माई गॉड, एंड हेयर इज दाल डायरेक्ट, सो प्रोटीन सोर्सेस। तो ये कुल मिला के किचन है, आप देख सकते हैं सारा एरिया यहाँ पर। आप काफ़ी कुछ जगह देते हैं उन लोग रखने के लिए, माइक्रोवेव है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ें तो हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। ये एरिया जहाँ पे वॉशिंग एरिया, काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी बाजार से यहाँ पर ला चुके हैं। ये वो मशीन है जो सारा पानी गर्म करके देती है, और ये डिश वॉशर है, अगर लोग चाहें तो इस पर भी बर्तन जो है वो मांजे जा सकते हैं। सो ये एरिया है डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप बैठ के खा सकते हैं खाना। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर घर दिया है एक्चुअली उन्होंने हमें, और ये आप सर्च कर सकते हैं। आपको सर्च करना होता है, थोड़ा समय देना होता है एयरबीएनबी वगैरह में। चेज बेस इंडिया भी काफ़ी समय से काम कर रहा है और आपको अरेंज करके दे रहा है। तो कुछ भी हम इसी तरह से तैयार करके आपके लिए कुछ अच्छे घर ढूंढते हैं। तो ये है डाइनिंग एरिया, एंड हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ वॉशरूम, लेट मी ऑन द लाइट। तो ये है वॉशरूम, आप देख सकते हैं हर तरह की सुविधाओं से लैस है यहाँ पर वॉशरूम। और तो ये किसी ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं, मुझे लगता है किसी 5 सितारा होटल से भी कम नहीं होते। ये एक और रूम है, यहाँ पर शायद उनके बच्चे रहते हैं, बट फिलहाल हमने ये अनुज श्रीवात्री जो है उनको ये रूम अलॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो खैर छोटे बच्चों के लिए, तो ये बेड अनुज का है यहाँ पर, और ये टेबल फॉर ट्रेनिंग एंड कवर्ड टू पुट हिज थिंग्स। तो थोड़ा छोटा रूम है लेकिन बहुत कन्वीनियंट है एक इंसान के लिए। ये एरिया जहाँ पर हम अपने कपड़े वगैरह सब धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन एंड ऑल। सो आप देख सकते हैं प्रेस भी है, आयरन भी है, तो इस्त्री भी कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली ये बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए ये बहुत काम आती है ये ट्रॉली। सो लेट मी ऑफ द लाइट। और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि लिविंग एरिया टाइप है। यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी ट्रेनिंग का सेटअप शुरू हो चुका है। ये एनजी की जगह है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग करेंगी। ये हमारे अनुज श्रीवात्री, हाय अनुज। तो अनुज यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग उनकी शुरू हो चुकी है, और देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी कंफर्टेबल है, टेबल काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर सोफ़ा है, और ये मेरा सेटअप है जहाँ से मैं आपके लिए आर्टिकल लिखता हूँ या न्यूज़ भेज रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा, इसको HDMI से कनेक्ट भी कर लेते हैं कई बार बड़ी टीवी से, तो उस पर भी काम होता है। बाहर का एरिया आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, लोग यहाँ पर, संडे का दिन है आज तो लोग घूमने आए हुए हैं, और हमने सुबह आज यहाँ बैडमिंटन भी खेला, उसका भी नज़ारा हम आपको कभी दिखाएंगे। तो बहुत सुंदर इलाका है। और इसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम है जो कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसको सेटल किया हुआ है, अभी अनसेटल किया हुआ है, तो थोड़ा सा अभी तैयारियाँ और व्यवस्थित तरीके से कवर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को रखने के लिए आपके पास पर्याप्त जगह है। ये कमरा भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी और यहाँ से रोशनी भी आ रही है, तो सूरज की भी रोशनी यहाँ तक पहुँच रही है। तो कुल मिला के ये है हमारा घर, और जहाँ पर हम रहने वाले हैं आने वाले 33 दिनों के लिए, और आपको यहाँ से कवरेज जो है वो हम लगातार भेजते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से ये घर है जो कि हमने स्पेन में लिया हुआ है, जहाँ पर हम अगले 32-33 दिनों तक रहने वाले हैं, और शतरंज ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि मैं आप तक कवरेज भी पहुंचाऊंगा। तो जुड़े रहिए चेस बेस इंडिया से। मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।